हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का अपना एक स्पेशल टॉपिक है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डाइपोल मोमेंट कवर करते ही हम लोग अगले टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस वाले टॉपिक में हमें इस तरह से पढ़ना है कि ऑर्गेनिक के जीओसी में हमें रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत ही ना हो। तो यहां केमिकल बॉन्डिंग में जो रेजोनेंस टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा मैं लंबा खींचने वाला हूं। और वो इसीलिए है कि केमिकल बॉन्डिंग में जितना रेजोनेंस की जरूरत है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक में भी जितना, जीओसी में भी जितना रेजोनेंस की जरूरत है, वो दोनों को एक साथ कंबाइन करके इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। ऑब्वियसली बात है, एक लेक्चर में नहीं खत्म हो पाएगा, दो लेक्चर तो लगेंगे ही। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, ये दो लेक्चर लगेंगे ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो रेजोनेंस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, पिछले लेक्चर में डाइपोल मोमेंट के ऊपर एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपके पास आ गया हो, अगर आपने सॉल्व कर लिया हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपना आंसर। क्वेश्चन क्या था जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया, और इसके कुछ पार्ट जेई में आए भी हुए हैं। तो जेई का सवाल यह था, इनमें से चार ऑप्शन लिए थे, और यह पूछा गया था कि इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और मैंने इस सवाल में ऑप्शन कुछ बढ़ा दिए हैं, चार से ज्यादा कर दिए, सात कर दिए हैं। तो अपने को डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, यानी अभी भी मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूं कि इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। आपको नंबर जीरो से लेकर सेवन के बीच में बताना है कितने और कौन कौन से, ये भी बताने हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जीरो हो, ऐसा मतलब कोई भी ऐसा नहीं जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, सभी का जीरो दिख रहा है मुझे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। वन टू थ्री फोर, जो भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सिर्फ नंबर नहीं बताने हैं कि कितने होंगे, जीरो वन टू थ्री, इसके साथ साथ आपको उनका नाम भी लिखना है कि कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, अगर अटेम्प्ट किया है तो आंसर जल्दी से लिख दीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, डाइपोल मोमेंट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगर ये नहीं लगाया तो डाइपोल मोमेंट में कुछ नहीं लगाया, ऐसा समझो। चलो खैर, मैं सॉल्व करता हूं। इस सवाल का आंसर क्या होगा, मैं एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करता हूं, आप खुद ही चेक कीजिएगा। इस ए वाले का म्यू बराबर जीरो आएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पहले वाले का म्यू जीरो है। नाइट्रो, अच्छा तो 1.4 डाई नाइट्रो बेंजीन, इसका भी म्यू जीरो होगा, इसका भी म्यू जीरो होगा, इस वाले का म्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, इस वाले का म्यू भी जीरो नहीं होगा, अभी रीजन बता रहा हूं आपको। इसका म्यू जीरो नहीं होगा, इसका भी म्यू जीरो नहीं होगा, इसका म्यू जीरो होगा, इस वाले का म्यू भी जीरो नहीं होगा, और इस वाले का म्यू जीरो होगा। ओके, तो हमसे जेई में जो सवाल पूछा गया था, जेई में जो सवाल आया था वो ये आया था, 2014 का क्वेश्चन है, ये ए बी सी डी चार ऑप्शन थे, और इसका सही आंसर था ये दोनों, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और हमारे इस सवाल में जिसमें ए से लेकर जी तक का पार्ट है, इसमें ऐसे कौन कौन से हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ, एक तो ये सी, दूसरा ये डी, और तीसरा ये एफ, सी डी एफ। अब इसका रीजन चलिए जान लेते हैं। रीजन देखिए सिंपल सा है, अगर वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे पूरी तरह से तो जीरो होगा, और अगर कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं अगर नाइट्रोबेंजीन की, तो चलिए आपको नाइट्रोबेंजीन पे बताते हैं। आंसर समझ में आ गया सभी को, आंसर लिख लीजिए, आंसर में है सी डी एंड एफ।
इन तीनों का म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आंसर में तो मिल गया, अब मुझे रीजन समझना है। तो नाइट्रोबेंजीन को जरा ओपन करके आप बनाइए NO2, और ये कोऑर्डिनेट इस तरह से NO2 है ना, और यहां पर भी NO2। अब डबल बॉन्ड चाहे इधर बना लीजिए या इधर बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कैसे लिख सकते हैं? इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जो डोनर एटम है, अभी डोनर कौन है? नाइट्रोजन, तो उस पर आ जाए प्लस और एक्सेप्टर पे आ जाए माइनस। तो ये यहां काम कर लीजिए ऐसा। और देखिए, अब अगर इसका आप रेजोनेंस करेंगे, इसीलिए रेजोनेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल वाला डबल हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। अभी ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी आज के ही टॉपिक में, रेजोनेंस कैसे होता है। और यहां पर भी देखिए, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। कहने का मतलब कोई डबल या सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, कोई डबल या सिंगल बॉन्ड है ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर में ये जो एन डबल बॉन्ड हो और ये ओ माइनस, ये इस तरह से है, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर में ना कोई सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास होगा? कुछ यहां से और इसका यहां से, तो म्यू क्या हो गया? जीरो। चलिए अब उसकी बात करते हैं जिसका म्यू जीरो नहीं आया, इसका तो जीरो आया। नॉर्मली एक कॉमन थॉट ये होता है स्टूडेंट का कि यार सभी उसके अपोजिट साइड में तो सबका जीरो होगा, तो फिर सी डी और एफ में क्या दिक्कत थी ये बताते हैं। तो सी और डी और एफ वाले की बात करते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर ये OH है और यहां पर ये OH है। एक्चुअल में देखिए, ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है ये हाइड्रोजन एटम। अभी इसी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लास्ट में हम लोग पढ़ रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी एक रीजन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला जाए, यानी कि ये पूरा OH मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में नहीं रहता। तो ये हाइड्रोजन क्योंकि अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो पूरा पूरा वेक्टर एक दूसरे से कैंसल आउट नहीं होगा, और अगर वेक्टर एक दूसरे से कैंसल आउट नहीं होगा तो ऐसे में म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अब ये कैसे होता है जरा सोचिए कि यहां पर ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल हो, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए मैं बना दूं, और उसमें भी ये जो H है, ठीक है, ऐसे बना दूं, या बल्कि यहां से इस वाले H को इधर लगा दूं, ठीक है, और इधर वाले ये वाले H को इधर कहीं लगा दूं। तो देखिए ये क्या है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, H बॉन्डिंग इसी को कहते हैं, और ये आउट ऑफ प्लेन जाके करेगा। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी इस वाले ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्डिंग कर सकता है और ये आउट ऑफ द प्लेन जाके करेगा। इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुल मिलाकर रीजन एक है कि ऐसा हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये सेम प्लेन में नहीं रहेगा, जिस वजह से इसका म्यू जीरो नहीं आएगा। जैसे ही आप किसी को यह रीजन समझाएंगे, तुरंत अगर उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रखी है तो वो तुरंत अपना अगला सवाल करेगा कि सर फिर SH में क्या हुआ बताइए, यहां तो उतनी अच्छी H बॉन्डिंग कुछ होती ही नहीं है क्योंकि यहां तो S से जुड़ा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन हमारा कौन से जुड़ा हो, F या फिर O या फिर N, इनसे जुड़ा हो। तो अगर SH में होगा तो देखिए यहां पर अभी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो है ना, और इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अभी भी यहां पोलैरिटी डेवलप होगी, और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं भी हो पाई तो वांडरवॉल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से भी ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। रीजन अभी भी वही है, ये हाइड्रोजन एटम आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, जिस वजह से इसका भी म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, इस वाले का भी म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा।
समझ गए। इसके बाद मैंने एक ऑप्शन आपको दिया सी डबल ओ एच वाला, देखिए यहां पर भी यही हो रहा है सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन भी आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा कि नहीं बताइए मुझे, ये वाला हाइड्रोजन भी आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो इस वाले का भी म्यू क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस लगा दूं, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस लगा दूं, तो यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये रेजोनेंस करेगा और यहीं पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, जिसमें ये वेक्टर और ये वेक्टर यहां से ही तो रिजल्ट पास होगा, एक दूसरे को कैंसिल करके म्यू बराबर क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। अब देख लीजिए, कोई अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी भी पार्ट में अगर आपको डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, जल्दी देखिए और बताइए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यह हमारा डाइपोल मोमेंट का लास्ट सवाल था, डाइपोल मोमेंट का लास्ट क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? क्लियर। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने आज के फ्रेश टॉपिक पे, जिसका नाम है रेजोनेंस। ये कोचिंग वाला रेजोनेंस नहीं है, ये टॉपिक वाला रेजोनेंस पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्या है, क्या होता है रेजोनेंस, ये जानना है। आप जब कभी भी कोई किताब ओपन करोगे, खोलोगे रेजोनेंस पढ़ने के लिए, रेजोनेंस का रिवीजन करने के लिए, भले ही आप एनसीईआरटी उठा लो, तो वहां पर रेजोनेंस के बारे में तमाम बातें लिखी हुई हैं, लेकिन बेसिक बातें नहीं मिलेंगी या बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा। तो बेसिक बातें क्या है, मैं जो रेजोनेंस के बारे में जानना चाहता हूं, व्हाट इज रेजोनेंस। दूसरा मैं जानना चाहता हूं रेजोनेंस होता क्यों है, क्या रीजन है भाई रेजोनेंस क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, और दूसरा रेजोनेंस कब होता है, कहां होता है, ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का कॉज क्या है, क्यों होता है, और रेजोनेंस कब होता है, किस तरीके के कंपाउंड में होता है, कहां होता है। तो सबसे पहला जो बेसिक बातें हैं रेजोनेंस को जानने के लिए, वो इन तीन बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप रेजोनेंस को समझ पाएंगे। और फिर रेजोनेंस में तो खूब सारी बातें हैं, तो वो खूब सारी बातें हम लोग भी करेंगे। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है इसी रेजोनेंस टॉपिक से सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसलिए अपने को ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस ये सभी जानना बहुत जरूरी है। बट पहले इन तीन बातों पे बात करते हैं। तो सबसे पहला रेजोनेंस क्या होता है, मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर रेजोनेंस होता क्या है। तो देखिए रेजोनेंस होता क्या है, इसका आंसर मैं आपको दे दूं, हाइपोथेटिकल कंपाउंड की मदद से अगर आप किसी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं, सो इट इज कॉल्ड रेजोनेंस इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में ना लिख के चले आना रेजोनेंस ये होता है, ये केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है, क्या है रेजोनेंस, रेजोनेंस में एक ऐसा फिनोमिना जहां पर हम कुछ हाइपोथेटिकल कंपाउंड की मदद से एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आंसर मिल गया, द यूज ऑफ सम हाइपोथेटिकल कंपाउंड, हाइपोथेटिकल कंपाउंड टू एक्सप्लेन एक्चुअल स्ट्रक्चर।
और ज्यादा अच्छे से समझना है तो ऐसे समझ लो, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज इक्वल टू गॉड, समझ गए? तो और अच्छे से समझ में आता रहेगा सब कुछ, और ज्यादा मेरे को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द यूज ऑफ सम हाइपोथेटिकल कंपाउंड और स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस क्यों होता है? तो रेजोनेंस का कॉज है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर लिख लेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस होता है, ठीक है? रेजोनेंस कब होता है, किस तरह के सिस्टम में होता है? तो रेजोनेंस इज पॉसिबल इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पॉसिबल इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी ये कॉन्जुगेटेड क्या होता है, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको सारी बातें समझ में आएंगी कॉन्जुगेटेड क्या होता है। पहले आप यहां तक देखिए, यहां तक में किसी को कोई डाउट? पहले तीन सवाल और ये उनके तीन जवाब, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? तो रेजोनेंस का मतलब है यूज ऑफ सम हाइपोथेटिकल कंपाउंड टू एक्सप्लेन द रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन के आप जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, है ना, एक बार आप एक अल्टरनेट छोड़ छोड़ कर डबल बॉन्ड लगाते हैं, फिर जहां डबल लगाते हैं वहां सिंगल लगा देते हैं, जहां सिंगल लगाते हैं वहां डबल लगा देते हैं, वो सभी क्या है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो रियल जो बेंजीन होगा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स की आप मदद ले रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इसके पीछे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये केकुले ने बताए थे, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी बोला जाता है। अब ऐसा कई लोगों का मानना है कि केकुले को सपने में, ड्रीम्स में क्या दिखाई दिया, बंदरों ने एक दूसरे की पूंछ पकड़ रखी है। जिस टाइम पे ओपन चेन कंपाउंड का जमाना था, ओपन चेन कंपाउंड ही चल रहे थे हर पूरी दुनिया में, सारे साइंटिस्ट ओपन चेन कंपाउंड की बात कर रहे थे। उस टाइम पे ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ केकुले के अंदर कि क्लोज चेन कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो ऐसा कई लोग बोलते हैं कि उसको सपने में बंदर एक दूसरे की पूंछ पकड़ते हुए दिखाई दिए, तो उसने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि इसी ओपन चेन कंपाउंड से क्लोज चेन कंपाउंड का भी फॉर्मेशन बनाया जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी काम किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि सांप एक दूसरे के साथ अगर कुंडली मार के बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ चेन बनाए हुए थे, तो खैर सपने में नहीं जाते हैं, केकुले के सपने में क्या आया क्या नहीं आया। मेन मतलब यह है कि ओपन चेन कंपाउंड से क्लोज चेन कंपाउंड की तरफ लाने वाले ये केकुले ही थे। शुरुआत में इन्होंने रेजोनेंस समझाने पर बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए, वो सात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए शुरुआत में। केकुले के सबसे पहले सात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए थे बेंजीन के, सिर्फ बेंजीन के। बाद में जैसे जैसे रेजोनेंस को और समझना चालू किया सभी ने, जैसे जैसे रेजोनेंस पे और ज्यादा रिसर्च हुई, तो पता चला रेजोनेंस के सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर, रेजोनेंस नहीं बल्कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ दो ही मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो रेजोनेंस में बेंजीन के सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अप्रूव किया गया, और बाकी के पांच उन दो के रिस्पेक्ट में लीस्ट स्टेबल थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। अगर आप 2000 के करीबन या उससे पहले की कोई बुक देखेंगे,
तो उसमें आपको मिल भी जाएगा कि एक्विलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आज की डेट में कोई नहीं लिखता, बहुत आउटडेटेड हो चुका है कि एक्विलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर रेजोनेंस में वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिए जाएंगे जो ज्यादा स्टेबल हो। अगर कोई एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो बहुत लेस स्टेबल है तो फिर उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ बातें समझनी है अपने को, तो सबसे पहले हम बेंजीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं रेजोनेंस को समझने के लिए कि आखिर रेजोनेंस अप्लाई कैसे होता है किसी स्ट्रक्चर में। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, आप सभी जानते होंगे C6H6। अब इसमें जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 और 2p2, 2s और 2p, अब 2 में d तो होगा नहीं, और कार्बन ये टेट्रावेलेंट हम बना रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर जंप कराएंगे। इतना सब कुछ तो आपने हाइब्रिडाइजेशन में खूब सारा पढ़ लिया होगा। तो यहां पर ये आ गए। अब देखिए बेंजीन में आखिर होगा क्या, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में हर कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो एक हाइड्रोजन और दो कार्बन से जुड़कर ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से कुछ। जैसे आप ये देखेंगे तो अभी तो आपको ये साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है? साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा आप लोग भी मेरी तरह साइक्लोहेक्सेन को थोड़ा जूम करके बनाइएगा। तो इस साइक्लोहेक्सेन में आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी किंक हैं ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर कार्बन दो कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। हर कार्बन दो कार्बन के साथ क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड। और इन सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा है, इन सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा है। तो इस तरह से आप यहां पर हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए हर कार्बन की तीन वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो गई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। हर कार्बन की तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अब हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है तो मैं डंबल बना देता हूं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, प्योर ऑर्बिटल वाला डंबल, तो हम प्योर ऑर्बिटल यहां पर बना लेते हैं। और इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि ऊपर के ही लोब में है, ये नीचे के भी लोब में होगा, पूरे में मिलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये देखिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है किसी को भी बेंजीन के बारे में समझाने का और आपके भी समझने का। तो अब यहां पर अब क्या होने वाला है उसको देखिए, हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो अपने आप को पेयर अप करने की कोशिश में लगा है। क्यों? स्टेबल होने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग की तो शुरुआत ही इसी पे है। हर एलिमेंट काम क्यों कर रहा है? बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबल होने के लिए। तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ देखिए हेड ऑन कोलिजन हो चुका है कार्बन कार्बन का वाया सिग्मा बॉन्ड, तो अब इन कार्बन कार्बन का साइड ऑन कोलिजन होगा और यह पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन कार्बन भी साइड ऑन कोलिजन करके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। और इस तरह से ये कार्बन अच्छा यहां का तो बनाया ही नहीं, ये भी बना लेते हैं भाई। वही मैं कहूं ऐसा क्यों हो रहा है, ऑड नंबर में क्यों दिख रहा है? और इस तरह से ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर हम ऐसा बनाएंगे स्ट्रक्चर तो देखिए ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है ना,
इसको मैंने सीधा कर दिया इस तरह से, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, अब दूसरे कलर का पेन यूज करिए और इसी स्ट्रक्चर में बनाइए। यह जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, यह बगल वाले कार्बन के साथ साइड वाइज ओवरलैप करने लगा, तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की वेव है और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव है, और सेम फेस के साथ ये सुपरपोजिशन करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वेव यहां से यहां पर भी पाई जा सकती है, ठीक है, इवन फिर वो यहां से इधर भी आ सकती, इधर भी आ सकती है। तो हर कार्बन की जो पाई, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो पूरे रिंग में डिलोकलाइज करेगा। थोड़ी देर बाद इनके साथ तो बनाया, अब ये इनके साथ भी बना सकता है। अब ये भी देख लेते हैं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये इसके साथ बनाएगा तो ये वाला इसके साथ बना लेगा और ये वाला इसके साथ बना लेगा, यानी कि इस तरह से क्या हुआ, इन सभी ने अपने अपने पार्टनर चेंज कर दिए। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बन रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मिल रही है अपने को, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को ऐसे मिल रही है, दिख रहा है ब्लू कलर से जो बनाया है। अगर ऐसा बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा बनेगा, चलिए उसको भी बना देता हूं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो नंबरिंग वही रहने दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब जरा देखिए, अब आपने इधर वाला डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। तो अब आपने अगर इधर वाला डबल बॉन्ड बनाया है, तो जैसे अगर मैं इसको इधर घुमा दूं तो ये वाला बन गया एक तरीके से, ये देखिए। तो ये क्या है, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा वाला भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए कुछ डेटा और लिख देता हूं। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो अगर आप पहला स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप बोलेंगे C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड है। चलिए मैं C1 और C2 के बीच में ही जानना चाहता हूं, तो C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तब तो ये 1.34 होना चाहिए। और अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर देखूं तो C1 और C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। तो जो कोई भी कंपाउंड, जो कोई भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, उसकी बॉन्ड लेंथ ना सिंगल होती है ना डबल होती है, तो फिर क्या होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वहां क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए बेंजीन का आपने ये स्ट्रक्चर भी देखा होगा इस तरह का, ये डॉटेड से बनाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर जो कार्बन C1 C2 है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंटरमीडिएट है, ना वो सिंगल बॉन्ड है ना वो डबल बॉन्ड है। तो अब मैं बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूं। तो अगर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता होगा, वो जो भी होता होगा वो इन्हीं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनता होगा, वो इन्हीं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनता होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी दिखता होगा। अब क्या इसको हम तीसरा नाम देंगे, नहीं, एक्चुअल में जो रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसा होता होगा उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, एंड रियल स्ट्रक्चर या एक्चुअल स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड।
तो जरा आप फिर से पहले वाले स्टेटमेंट पे आ जाइए, रेजोनेंस क्या था, रेजोनेंस क्या होता है? द यूज ऑफ सम हाइपोथेटिकल कंपाउंड टू एक्सप्लेन द रियल और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन के एग्जाम्पल में बेंजीन, या फिर नॉर्मल आप बोलेंगे, जनरल बोलेंगे, टू एक्सप्लेन द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर यानी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। हालांकि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ क्या है उसको भी मैं बता दूं, ये इन दोनों की वजह से रियल स्ट्रक्चर की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, रियल स्ट्रक्चर के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड ये बनाया है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि इन दोनों को मिला दिया तो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन प्रकट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया, रेजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन बनता उन्हीं से होगा क्योंकि वही दोनों या वही जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वही सब एक्चुअल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब मेरे मेन सवाल जो ये है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती कितनी है? फिर 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ है। और अगर बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट है तो बॉन्ड एनर्जी भी इंटरमीडिएट होगी। अगर कोई आपको यह बताए कि ये सिंगल और डबल का एवरेज ले लो, वही हमेशा इसका आएगा, अगर यहां पर सम करके और बाई टू करके अगर इसके बराबर आ भी रहा हो तो भी मत मानना। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जो भी बॉन्ड लेंथ हो उसका एवरेज निकाल दो और वही आ जाता है इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ। इंटरमीडिएट का मतलब है इससे और इसके बीच में रहेगी, यानी ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम, इन्हीं के बीच में कहीं रहेगी। एवरेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि एवरेज वैल्यू ही बनेगी। ठीक है, इत्तेफाक से यहां पर बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है? 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। यहां तक किसी को कोई समस्या? बेंजीन के केस में किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है क्या बेंजीन में, या ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है? अच्छा सवाल किया अनिकेत आपने। जैसे आप बेंजीन की ही बात कर रहे हैं तो बेंजीन में जो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस क्यों होता है पीछे आपको बताया था, तो रेजोनेंस का कॉज ही क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग होने की वजह से, डीलोकलाइज होने की वजह से रेजोनेंस हो रहा है, उसी पर रेजोनेंस टिका हुआ है। लेकिन अगर आप मेरे को यह कहोगे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर में बताइए, तो भाई देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर में हम नहीं बता सकते क्योंकि हम यह सब बातें सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हाइपोथेटिकल है क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में ही समझाई जा रही है। समझ में बात आ रही है? जबकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, जैसे ये रेजोनेंस हाइब्रिड है तो ये बना के रख दिया, ठीक है ना? तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं किसी भी कंपाउंड के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजीन के, किसी भी कंपाउंड के, तो वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं। एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखिए, जैसे ये बेंजीन का ही मॉडल है, इसमें जो ब्लैक कलर की बॉल है, ये ब्लैक कलर की बॉल, ये सब कार्बन है, ठीक है?
और यहां पर ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन है। तो इस 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं सिंगल है तो फिर डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अब अगर आप इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, ये भी क्या है, हाइपोथेटिकल ही बोलेंगे, ये बनाया, जो अगर आप मैं यहां पर मार्क कर दूं ये 1 और ये 2, तो आपको ये सिंगल दिख रहा है, और यहां 3 मार्क कर दूं तो 2 और 3 ये डबल दिख रहा है। तो अभी अगर इसको घुमा दूंगा मैं, इस तरीके का कुछ बना दूं, तो आप बताइए, है ना, कुल मिला के यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पूरे रिंग में घूम रही है, और रिंग कहां है, यहां है, ये देखिए ये रिंग यहां है, ठीक है, ये रिंग यहां पर है। तो यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड में हटा देता तो यहां पर मुझे हर कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, जो मैंने बनाया भी है। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपना रिंग करंट जनरेट कर सकता है। अब यहां पर मैंने रिंग करंट वर्ड को इसलिए बोला क्योंकि ये आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। अभी जब हम लोग जीओसी पढ़ेंगे तो वहां पर एरोमेटिसिटी का टर्म आएगा, एरोमेटिसिटी टॉपिक आएगा, और वहां पर मैं आपको फिर यही टर्म वापस रिपीट करूंगा, रिंग करंट, और फिर मैं आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बताऊंगा। अभी एरोमेटिसिटी से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाना है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यहां पर हर कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होगा तो वो साइड वाइज ओवरलैप करके इस तरीके से अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लेगा। और ये जो बॉन्ड है ना, ये डबल है ना ये सिंगल है, ये एक्चुअल में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। यानी चाहे इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखो, ये डबल दिख रहा है ना आपको, चाहे इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखो या फिर इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखो, सेम आएगी। जो भी कंपाउंड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी हमेशा सेम होती है। याद कीजिए आपको कार्बोनेट वाला एग्जांपल मैंने बताया था, वहां पर बॉन्ड एंगल आपने डिफरेंट बता दिया था, जबकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था तो सभी का बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम, क्योंकि ना वहां पर कोई डबल है ना कोई सिंगल है। मेरे ख्याल से इतनी बातें बहुत हैं, अब हम कुछ आगे की बातें करते हैं रेजोनेंस को लेकर, और ये सब बातें ज्यादा ना हो जाएं और आप सारी बातों को मिला ना दें, भूल ना जाएं, इसलिए पॉइंट वाइज आप लिखना भी चालू कर दीजिए। अब जो मैं आपको समझाता जा रहा हूं, जो बताता जा रहा हूं, उनको आप लिखना भी चालू कर दीजिए कि रेजोनेंस में अपने को कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान होने चाहिए। जितना मैं यहां पर आपको बता रहा हूं रेजोनेंस में, इसके अलावा आपको एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो पहला पॉइंट तो वही है, व्हाट इज रेजोनेंस, द यूज ऑफ सम हाइपोथेटिकल कंपाउंड और स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। पहला पॉइंट तो यही है, व्हाट इज रेजोनेंस में मैंने इसका आंसर आपको दे ही दिया था। दूसरा पॉइंट, द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, व्हाइल द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप, देख लीजिए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप पे ड्रॉ किए जाते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद से ही रेजोनेंस हाइब्रिड को एक्सप्लेन किया जाता है। तो दोनों बातें समझ लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस पर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड को कौन एक्सप्लेन करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ही हेल्प से हम रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो आप ये तीन पॉइंट जल्दी से नोट कीजिए, अच्छा एक चौथा पॉइंट भी है, द मेन कॉज ऑफ रेजोनेंस इज डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये जवाब भी मैं आपको दे चुका हूं, Why रेजोनेंस क्यों होता है, उसमें मैंने आपको बता दिया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस होता है।
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस होता है। ओके, समझ में आ गई यहां तक की बातें। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कई सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि बेंजीन के दो स्ट्रक्चर हैं, अगर दोनों को मिला देंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला देंगे तो क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट, रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस। आप ये बताइए इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझिए। जब कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर की जरूरत होती है तो हम बोलते हैं दो या दो से ज्यादा, तो उसमें बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर, और विद इन वन के लिए इंट्रामोलिक्यूलर। तो आप जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आप बेंजीन का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना रहे थे, तो बना तो एक ही रिंग में रहके रहे होगे ना भाई। आपने जो भी साइड वाइज ओवरलैप किया, जैसे मान लीजिए ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब आप कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो अगर ये वन है और ये टू है तो सी वन सी टू यहां सिंगल लिखेंगे, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल डबल, या फिर आप इसमें ऐसे लिखेंगे तो ये वन टू डबल हो गया, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ऐसे ही तो लिखेंगे। लेकिन जो भी कर रहे होंगे रेजोनेंस इसके अंदर, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो रेजोनेंस दिखा रहे होंगे, वो रेजोनेंस तो विद इन वन ही दिखा रहे होंगे ना। तो ये कैसा प्रोसेस है? इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस। रेजोनेंस इज अ इज एन इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि यार दो या तीन हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे तो हो सकता है इंटरमोलिक्यूलर हो, बट आप जो डीलोकलाइजेशन करके दिखाओगे वो ऐसा तो नहीं करोगे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिए और उन दोनों में करके दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। डीलोकलाइज तो एक ही स्ट्रक्चर में होगा। तो रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस। रेजोनेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि देखिए रेजोनेंस की मदद से स्ट्रक्चर या कंपाउंड स्टेबिलिटी को अचीव करता है, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो रेजोनेंस की मदद से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ अ कंपाउंड। ये पॉइंट भी कभी कभी हमारे लिए बड़ा खतरनाक बन जाता है। जैसे मान लीजिए सवाल ऐसे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और कोई आपको यह लिख के दे दे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ द कंपाउंड, तो आपको लगेगा हाँ यार बेंजीन में हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए थे, उसी की मदद से हमने यह बताया था कि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। जी नहीं, जो भी बेंजीन की प्रॉपर्टी है, जो भी बेंजीन के फीचर्स हैं, वो सभी रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन करेगा, ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप को समझाते हुए, और वो क्या कोशिश कर रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी अगर जाननी है तो उसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ अ कंपाउंड। इवन रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाई। ये बात भी ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो यहीं पे लिखा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। अब आप इसी में आगे करके लिख सकते हैं, सो दैट द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, so that the potential energy of resonance hybrid is always less than potential energy of the resonating structure. अगला point, अब ये तो पहले समझ ले कि आखिर ये resonating structure या canonical structure क्या है और resonance hybrid कैसे बनता है। तो देखिए यहां पर जो मैंने point लिखा, resonance hybrid explain all the features of compound, इस पे हो सकता है कुछ लोगों को question mark कुछ बनाए, कम समझ में आए,
तो ये पॉइंट अब पढ़ने के बाद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, देखिए, द स्ट्रक्चर विच कंटेन लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लोकलाइज्ड बॉन्डिंग हो एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप यह कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कंपाउंड के फीचर्स को एक्सप्लेन करता है तो वहां तो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है, डीलोकलाइजेशन है ही नहीं। अब आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, हम तो पाई बॉन्ड घुमा सकते हैं। जब आप घुमाते हैं तो आप दूसरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए जैसे ये इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें हर बॉन्डिंग कैसी है, लोकलाइज्ड, अपनी जगह पर है। तो डीलोकलाइज कहां होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड में, क्योंकि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम बनाते हैं, दिखाते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहां होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड में। अगर इसमें जरा सा भी किसी को कोई डाउट हो तो सबसे बेस्ट रहेगा यह पॉइंट पढ़ें और इसके बाद अगला पॉइंट यह पढ़ें, द स्ट्रक्चर विच कंटेन डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसे ट्रू स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड को ट्रू स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ये पीछे वाले सारे पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से ये पीछे वाले पॉइंट नोट कीजिए, और भी हैं। इसमें सबसे बड़ा सरदर्द यही है रेजोनेंस में, एक तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, तो ये तो अगर आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक तो आपको बड़ा आसान लगेगा ये ड्रॉ करना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा, जो पढ़ने समझने के बाद भी कभी कभी हम गलती करते हैं, वो ये है कि रेजोनेंस टॉपिक के ऊपर कई सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन करेक्ट करके पूछ लेते हैं, तो वहां पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट लिख लेने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट किया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, चलिए रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में भी बता दिया। जहां पर डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। जहां पर डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होगी उसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, और वही एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के, किसी स्ट्रक्चर के जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट फंसता है, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूं जब मैं आपको इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आइडिया दूंगा, तब आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी आप जल्दी से ये लिखेंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अच्छा ये बताइए, रेजोनेंस एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, इसका आंसर भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम एटलीस्ट कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी? रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए? जल्दी से आंसर कीजिए, रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जरूरत होगी? जीओसी में हम लोग रेजोनेंस नहीं पढ़ने वाले हैं, पूरा रेजोनेंस मैं आपको यहीं पर पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बिल्कुल सही, गुड।
टू, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो यार, बिल्कुल सही है। कम से कम चाहिए, जीरो हो नहीं सकता, वन, अगर वन ही है तो उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हो, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोल दो। अगर आपने कहा कि भाई ये बेंजीन का एक ही स्ट्रक्चर बनता है और ऐसा वाला बनेगा जिसमें वन और टू पे डबल बॉन्ड होगा और उसके बगल में सिंगल होगा, वन और टू पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, तो उसका कॉपीराइट किसी के पास नहीं है, सबको वही वाला बनाना है, यानी वो एक्चुअल ही स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए उसका कोई दूसरा नहीं बनाया जा सकता, उसमें प्रोबेबिलिटी और कोई दूसरी है ही नहीं, या यूं कह लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप उसी में है और वो 100% है। तो अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। तो कम से कम कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी कंपाउंड के, तो कम से कम दो चाहिए। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, एटलीस्ट टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन रेजोनेंस हाइब्रिड। अगला, द कंपाउंड विच शो रेजोनेंस इट्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, है ना, उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी लिख लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आगे आएगा बताऊंगा, ये सभी कुछ क्या होगा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होगा, यानी पूरे बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम, और वो कितनी है, ना वो डबल से मैच करती हुई है ना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से मैच करती है, वो कितनी, 1.39 एंगस्ट्रॉम, समझ गए, नोट कर लिया ये सब। चलिए अगले पॉइंट पे आइए, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आप मेरे साथ नोट करेंगे, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो देखिए भाई, रेजोनेंस के लिए कंपाउंड या जो भी एटम आप उस कंपाउंड में कंसीडर कर रहे हैं, दे शुड बी प्लेनर, प्लेनर और नियरर प्लेनर। अब ये प्लेनर और नियरर प्लेनर का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लेनर का मतलब जिसको प्लेन में ड्रॉ किया जा सके वो प्लेनर, जैसे कि आप ये 3D मॉडल है बेंजीन का, ध्यान से देखिए, ये इस बोर्ड वाले प्लेन पे फिट हो जाएगा कि नहीं, फिट हो जाएगा, तो अगर इस पे प्लेन पे फिट हो गया तो ये क्या कहलाएगा, प्लेनर, और अगर ये प्लेन पे इसके एटम फिट नहीं हो पाए तो ये क्या कहलाएगा, नॉन प्लेनर। तो आपका कंपाउंड और कंपाउंड के अंदर जो भी एटम है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी कैसे होने चाहिए, दे शुड बी प्लेनर। आप कैसे पहचानोगे कि वो प्लेनर हैं या नहीं है, ये भी बात सही है, तो उन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp2, उन एटम का बॉन्ड एंगल क्या बनना चाहिए, उन एटम से जो कंपाउंड में बॉन्ड एंगल बनना चाहिए उसको सेंट्रल एटम लेते हुए, वो बॉन्ड एंगल बनना चाहिए 120 डिग्री, मान लीजिए कहीं पर 119 डिग्री, 118 डिग्री, 121 डिग्री आ गया तो भी चलेगा, और इसी को बोलते हैं नियरर प्लेनर। तो कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरर प्लेनर, इसका साफ साफ यही मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, समझ गए, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, पहला कंडीशन यही है, एटम कंसिडर्ड इन ए मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर और नियरर प्लेनर। दूसरा, जो भी इलेक्ट्रॉन, जो आप बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का मेन कॉज है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज करना चाहिए पूरे स्ट्रक्चर में, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी होता है रेजोनेंस में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी आता है, लेकिन देखिए अकेला लोन पेयर कभी नहीं आता है, जब लोन पेयर आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन भी दिखाएगा, तो हमने जो पहले स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, रेजोनेंस का मेन कॉज है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डीलोकलाइज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज जरूर करना चाहिए। तो पहला हो गया प्लेनर, दूसरा हो गया डीलोकलाइज होना चाहिए,
पहला प्लेनर, दूसरा डीलोकलाइज होना चाहिए, तीसरा उसके लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इट शुड बी अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। अब ये ना कह देना क्लोज चेन होना चाहिए, कई लोग एरोमेटिसिटी वाला पॉइंट भी उठा के यहां रख देते हैं, गलत है। क्या ओपन चेन कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होता है? बिल्कुल होता है, तो फिर वहां पर साइक्लिक होने की तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तीन कंडीशन है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर और नियरर प्लेनर, पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में, पूरे स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज होना चाहिए, और इसके साथ साथ रेजोनेंस के लिए स्ट्रक्चर या कंपाउंड या सिस्टम कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी अ कॉन्जुगेटेड। नाउ अब हमें यह नहीं समझ में आता कि यार ये कॉन्जुगेटेड क्या है। ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि रेजोनेंस कहां होता है, वेन में लिखा था ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पॉसिबल है। अब ये कॉन्जुगेटेड क्या होता है, चलिए इस बात को समझने के लिए हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने तरह के होते हैं, पहले ये तीनों नोट कर लीजिए, पहले ये तीनों नोट कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या है। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, देखिए ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल बॉन्ड इकट्ठा दिखे, फिर कहीं इकट्ठा दिख रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से चलते जा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, एक साथ एक जगह पर दिख रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कम्युलेट कर गए, यानी कि कॉम्युलेटिव सिस्टम। कॉम्युलेटिव सिस्टम, ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के दर्शन एक बार हुए और फिर कहीं आखिरी में जाके हुए तो ये आइसोलेट कर गया, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट चल रहा है, डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल ऐसे चल रहा है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटिव सिस्टम या कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो भाई रेजोनेंस कम्युलेटिव सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम में भी पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? तो क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिर्फ ऐसा ही होता है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कुछ और भी होता है? तो भाई देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कॉन्जुगेशन ही तो बनाना है, तो देखिए आपको मैं बताता हूं कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितने सारे बनाए जा सकते हैं। जैसे कॉन्जुगेटेड में आपने एक तो देख ही लिया डाईइन ट्राईइन, है ना, तो ओपन चेन में डबल सिंगल डबल इस तरह से, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सिंगल डबल चल रहा है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। दूसरा देखिए कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटायन अगर आपको बनाना है तो ये डबल बॉन्ड फिर ये सिंगल फिर ये डबल और फिर ये सिंगल पे यहां पर कार्बन पे प्लस लगा दिया, हालांकि मैं इतना नहीं बनाता, ये डबल के जस्ट बगल में लगा देता तो भी ये होता। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटायन। वो कैसे, देखिए प्लस चार्ज जहां जिस कार्बन पे है उस पे क्या लगा हुआ, वहां के बगल में क्या लगा, सिंगल, और उसके जस्ट उसके एडजेसेंट पे क्या लगा, डबल, तो डबल सिंगल पे यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर रेजोनेंस बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, ये मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्ड यहां जाएगा तो ये प्लस यहां पर आ जाएगा, फिर ये यहां जाएगा तो प्लस यहां पर आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन आसानी के साथ हो सकता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटायन। और देखिए अगर कार्बोकेटायन हो सकता है तो कार्बेनायन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये देखिए ये कॉन्जुगेटेड कार्बेनायन,
है ना। तो ये डबल सिंगल के बाद ये माइनस चार्ज जो आपको दिख रहा है, इससे ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये चार्ज डेंसिटी यहां से इस पे, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं, एटम नहीं शिफ्ट होता, एटम कभी नहीं शिफ्ट होता। अच्छा, आप लोगों ने आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, तो आज जब ये लेक्चर फिनिश हो जाए तो घर पर बैठ के ये सोचिएगा कि अगर मुझे सिर्फ एक पॉइंट बताना हो कि रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है, जो कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो, तो वो क्या होगा आपकी नजर में? अगर पढ़ा है तो सोचिएगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कीजिए जब मैं टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊं आपको। तो ये कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटायन, कॉन्जुगेटेड कार्बेन आयन, कॉन्जुगेटेड डाईइन ट्राईइन, यहां तक कि कॉन्जुगेटेड वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये सिंगल और ये डबल, ये और यहां पर ये बोरॉन है और यहां एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब बोरॉन का यहां कार्बन की जगह मैंने क्या कर दिया, बेंजीन में बोरॉन लगा दिया। अब ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो कैसे, मुझे कैसे पता चला? मुझे क्या, आपको भी पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा सही से पढ़ते रहो, सबको पता चलेगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है ना। तो भाई 2s ये रहा, 2p ये रहा। अब बताइए, यहां से शिफ्ट करा देंगे तो भी तो एक ऑर्बिटल तो खाली दिखेगा ना, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, समझ गए? तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये कॉन्जुगेटेड वैकेंट ऑर्बिटल सिस्टम है। इसमें आप चाहें तो किसी को ऐसे दिखा भी सकते हैं कि ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो रेजोनेंस हो सकता है। और अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रख लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपने बोरॉन की चार वैलेंसी दिखा दी, जबकि बोरॉन तो तीन बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3, 4, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां प्लस बना दीजिए, प्लस का मतलब भी तो अभी भी तो वैकेंट ऑर्बिटल तो दिख ही रहा है ना। ओके, तो इस तरह से ये सब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकते हैं, और इन सभी सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है, इन सभी सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, यहां तक आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। थैंक यू बाबा जी, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। चलिए, समझ में आया या नहीं? तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। रेजोनेंस सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पॉसिबल है, और रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इतने टाइप के सिस्टम है इसमें पॉसिबल है। मैं ऑर्गेनिक में इसीलिए उतरता नहीं हूं जल्दी, इसीलिए जितने 12th पास आउट वाले पढ़ रहे हैं ना, उनको रिकॉर्डेड जल्दी जल्दी पूरा करा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं लाइव ऐसे पढ़ाने पे आया ना ऑर्गेनिक, तो न जाने कितने महीनों में खत्म होगा, क्योंकि हर टॉपिक को फिर खूब डेप्थ में ना चाहते हुए भी मन करता है पढ़ाने का। चलिए, खैर, जीओसी मैंने आप सभी से वादा किया है, पढ़ाऊंगा मैं आप सभी को, 11th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा और 12th पास आउट वालों को भी पढ़ाऊंगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लाइव ही पढ़ाऊं जितना टाइम लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए ये आज का लेक्चर और इसके बाद एक और लेक्चर, मेरी कोशिश रहेगी कि कल ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, रेजोनेंस टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होता तो डे आफ्टर टुमारो,
अगले टर्न पे होना ही है, मैं जैसा भी होगा टाइमिंग आपको अपडेट कर दूंगा, कल की क्लास है शाम की या नहीं है। बट दो लेक्चर में आपको रेजोनेंस पूरा समझ में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग वाला भी और ऑर्गेनिक में जीओसी वाला भी। और अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आगे, ठीक है। तो रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन लेक्चर में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। आप समझ लीजिए कि 10th पास आउट बच्चा अगर बैठेगा तो उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इवन यार 9th का बच्चा बैठा दो, उसको भी मैं सिखा दे रहा हूं रेजोनेंस क्या होगा। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो तो वो 9th क्लास के बच्चे को भी अगर आप दिखाओगे तो इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि हर छोटे से छोटा पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। तो रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आखिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कहानियां तो बहुत हो गई, कहानियां तो किताबों में भी खूब लिखी हैं, लेकिन समस्या तो यह है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना आता है, उसमें दिक्कत होने लगती है। तो वो नहीं होगी, तो इसीलिए स्टेप वाइज सीखना पड़ेगा और थोड़ा तसल्ली से बैठना पड़ेगा। इन रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अकर बाय ओनली 3 वेज। आप किसी भी कितने भी बड़े कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मेरी गारंटी है कि उसमें अगर डीलोकलाइजेशन दिखाने पर आओगे तो चौथा तरीका नहीं बता सकते। सिर्फ 3 ही तरीके हैं डीलोकलाइजेशन होने के, और ये 3 तरीके ही जल्दी लोगों को समझ में नहीं आते। और अगर ये आप डीलोकलाइज करने का तरीका समझ ले और क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू कर दे तो आप हर एक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 3 तरीके कौन से हैं जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसमें सबसे पहला है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। ध्यान से समझिए, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। इस बात का कोई एग्जांपल बिल्कुल है, देखिए मान लीजिए मैं ब्यूटाडाइईन बना दूं। ये ब्यूटाडाइईन कैसे बनेगा भाई? जैसे ये बना दिया मैंने 1,3-ब्यूटाडाइईन, यही तो है ना 1,3-ब्यूटाडाइईन। चलिए अब इसमें मुझे यह दिखाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। कैसे एरो का यूज करते हैं? डबल हेडेड एरो, दोनों साइड एरो बना। तो यहां पर मैं पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो देखिए ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं, पहले आप ये चेक कीजिए। बिल्कुल है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो डीलोकलाइजेशन कर दीजिए। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे या जब आप 11th वाले बच्चों से स्कूल लेवल पे एग्जाम पूछे जाएंगे तो स्टेप मार्किंग में आपके खूब सारे नंबर काटे जाएंगे, वो इसीलिए कि एरो सही नहीं बनाए। तो एरो देख लीजिए, कभी होगा ही नहीं कि आपसे एरो गलत बने। मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, अगर आप ऐसा कर देंगे तो यहां पर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। भाई एरो का हेड जिधर जाएगा वहां माइनस, और जहां टेल गया वहां प्लस। अच्छा, यहां पर हमने प्लस और माइनस फुल क्यों बनाया, पार्शियल क्यों नहीं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग होती है तब डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव बनाते। यहां तो हमने पाई बॉन्ड तोड़ दिया ना, तो फुल प्लस फुल माइनस बनाएंगे। समझ में आया? तो ये एक पहला तरीका हो गया मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। दूसरा तरीका, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है मल्टीपल बॉन्ड से एटम पर, और मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्ड पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं यह भी कर सकता था कि इस डबल बॉन्ड से सीधा एरो यहां सिंगल बॉन्ड पे तरफ बना देता, या इसी वाले स्ट्रक्चर को ले लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर यहां सिंगल कार्बन, यहां प्लस और यहां माइनस। अच्छा भाई, यहां पर हाइड्रोजन अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार बना लीजिएगा,
आप सभी को पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब आपका काम है समझना, ठीक है। मैं आपको मेन कंसेप्ट सिखा रहा हूं। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए देखिए बनाते हैं। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, एरो देखिए एरो का डायरेक्शन, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो जहां पर ये डबल वाला सिंगल और ये सिंगल वाला डबल हो गया। अब एरो का जो हेड होता है, हेड अगर ऐसा आया तब तो ठीक है एटम पे ही आया, अगर एरो का हेड किसी बॉन्ड पर आया तब कैसे डिसाइड करेंगे किसको प्लस देना है किसको माइनस देना है। बहुत सिंपल, एरो का हेड जहां दिख रहा है, हेड के आगे वाले कार्बन को देखिए उधर माइनस देते हैं, और टेल के पीछे वाले एटम को देखिए उधर प्लस देते हैं। तो इधर इसको प्लस मिलेगा और इस वाले को माइनस, तो इसको माइनस मिलेगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये सिंगल, ये डबल, और फिर ये सिंगल, ये डबल के बाद ये सिंगल, और यहां पर अब यहां पर तो माइनस रहेगा, यहां वाला हो गया न्यूट्रल डबल और यहां वाले कार्बन पे आ गया प्लस। ये देखिए ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिख रहा है? यहां तक कोई समस्या? दो तरीके मैंने आपको बताए, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम एंड मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड। अब आते हैं तीसरा, जो लोन पेयर की बात करते हैं। तो जब जब लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की भी शिफ्टिंग होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ लोन पेयर का हो। देखिए उसका रीजन भी है और वो सारी बातें आप समझिए। अगला है तीसरा तरीका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एन एटम टू अ बॉन्ड। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एन एटम टू अ बॉन्ड। चलिए इसके लिए भी एक नया एग्जांपल मैं बना देता हूं जिसमें आपको लोन पेयर तो दिखे, NH2CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए ये है, देख लीजिए। अब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है? तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब आप सोचिए, अगर आपने लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड लगाया तो क्योंकि ये टेल है तो यहां प्लस आ जाएगा और ये हेड है यहां माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा सोचिए, जैसे ही ये डबल बॉन्ड आएगा क्या ये कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो जाएगा? दो बॉन्ड यहां, दो बॉन्ड यहां और एक एच, तो कार्बन तो पेंटावेलेंट हो ही नहीं सकता, कभी कभी नहीं हो सकता, तब तो ये गलत हो जाएगा। तो जब जब लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड आएगा तो वहां पर आपका कार्बन क्या हो रहा होगा? पेंटावेलेंट। तो इसलिए तुरंत क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम करके देना पड़ेगा जिससे इसकी टेट्रावेलेंसी मेंटेन रहे। अब देखिए, एक बार इधर हेड आया तो इस पे माइनस आया, फिर इधर टेल आया तो इधर प्लस आया, तो ये न्यूट्रल ही रहेगा। अब ओवरऑल फाइनली हेड यहां आया तो यहां माइनस, और टेल यहां है तो यहां प्लस। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? NH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 पे माइनस और NH2 पे प्लस। बना लीजिए, तो यही तीन तरीके होते हैं डीलोकलाइजेशन के। इसके अलावा आपको चौथा कोई तरीका मिलेगा ही नहीं जिसमें आप ये बताएं कि रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन कैसे हुआ। तो यही तीन तरीके हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के। जल्दी से नोट कीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए अपना डाउट। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से नोट कीजिए। ओके, नोटेड। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आज की लास्ट हेडिंग, इसको और जरा पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है?
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए बात करते हैं इस पर। डबल हेडेड एरो इज यूज्ड इन बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हमें क्या करना होता है, डबल हेडेड एरो का यूज करना होता है। डबल हेडेड एरो का मतलब ऐसा वाला, ठीक है। अगला पॉइंट, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एटम नेवर मूव, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑल एटम रिमेन्स सेम, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन एटम की हमेशा सेम ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेम कंपाउंड द सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑल ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो देखिए, इस पॉइंट को मैंने पीछे भी ये एग्जाम्पल बनाया है, मैं उस एग्जाम्पल से भी आपको समझा सकता हूं। पॉइंट क्या है पहले समझ लीजिए, किसी कंपाउंड के आप 2, 4, 10, 20 जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का सम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल बताया था, 1,3-ब्यूटाडाइन, याद है। और फिर मैंने आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा था, याद आ रहा है। चलिए इसी में आप चेक कर लीजिए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पहले तो आप कार्बन की टेट्रावेलेंसी को मेंटेन कीजिए, तो देखिए 2 बॉन्ड यहां होंगे, हाइड्रोजन 3 है तो 1 यहां होगा, 4 हो गए, 1 और 2, 3, 1 यहां होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां 2 है तो यहां 2 होगा, तो ये आ गया। फिर इसी तरह से मेंटेन करते जाइए, इसी तरह से यहां पर मेंटेन करते जाइए भाई, है ना। यहां पर कितना हो जाएगा, ये 3, ये आ गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2, ये देखिए, यही था भाई, बॉन्ड तो इतने ही थे ना। यहां पर देखिए, बस आपने इसी बॉन्ड को तो तोड़ दिया, तो यहां प्लस और माइनस आ गया, बाकी सब तो वही है, ये सब हाइड्रोजन है, देख लीजिए ध्यान से, दिख रहा है। अब गिनिए बॉन्ड पेयर के, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने, पेयर गिन लीजिए, इलेक्ट्रॉन गिनने की जरूरत नहीं है, पेयर का डबल इलेक्ट्रॉन होगा, उससे अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है 11, और लोन पेयर किसी के पास नहीं है, 0। सम कितना बना, 11। चलिए उधर आइए, यहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिनिए, तो बॉन्ड पेयर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यार ये तो 10 हो गए, और साथ में ये एक नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर भी तो है, 1, कितना आया, 11। ऐसा आप हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं। मैंने ये पीछे जितने भी एग्जाम्पल यहां पर बनाए, आप इसमें हर एक में जाके चेक कर लीजिएगा, सम ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और यही नहीं, किताबों में भी जितने दिख जाएं उन सब में भी ये चेक करते रहिएगा, ठीक है, कि सम ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट रहेगा, क्लियर हुआ। तो इन सब बातों पे अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेट चार्ज इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड शुड बी सेम, नेट चार्ज हमेशा सेम रहना चाहिए, वो कैसे, देखिए नेट चार्ज आखिर कैसे सेम रहेगा, तो नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कार्बोनेट, जो मैंने आपको पीछे की क्लासों में बॉन्ड एंगल के टर्म पे दिखाया था, ये है कार्बोनेट। तो बताइए कार्बोनेट में नेट चार्ज कितना आ रहा है, 2-। अब मेरा कहना ये है कि आप कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, ये नेट चार्ज कार्बोनेट का 2 ही रहना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए डीलोकलाइजेशन का क्या तरीका होगा, और साथ साथ एग्जाम्पल से सीखिए भी कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है।
यहां पर आपको नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर दिख रहा है, तो लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, ये कार्बन कैसा हो गया, पेंटावेलेंट। तुरंत क्या कीजिए, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, ये बात हमेशा ध्यान रहे। जब जब आप लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड करेंगे, कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कार्बन पे यहां हो गया सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, यहां हो गया डबल बॉन्ड ओ, और यहां हो गया सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। अच्छा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो इधर से भी थी, वो कैसे, ये देखिए, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसा करते तो क्या होता, अगर आप ऐसा करते तो इधर हो जाता डबल बॉन्ड, इधर हो जाता सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, और इधर हो जाता सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। अब देखिए, इनऑर्गेनिक में जो आपको ये स्ट्रक्चर मिलते हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये बिल्कुल बच्चों वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब मैं केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ाने के लिए आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना दो लेक्चर में मैं आपको पूरा रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। मुझे एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ जीओसी का भी रेजोनेंस पूरा कंप्लीट करना है, पूरा कवर करके चलना है, इसलिए मैं आपको इतने सारे पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर ऐसे स्ट्रक्चर समझाने होते तो ये तो मैं आपको रटा भी देता, यार ऐसे ऐसे घुमाना है। और एक बात याद रखो, क्या डबल बॉन्ड एक बार इधर आया, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, लो बन गए तीन, खत्म। इनऑर्गेनिक में तो जितने भी आएंगे सब यही सब करना होगा, ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएंगे, बनाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे जहां पर भेजा घूमेगा, तो वहां पर रूल्स सभी मालूम होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, या इसमें देखिए, सभी में आपको टू माइनस चार्ज दिख रहा है कि नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, N3 माइनस एजाइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, NNN, ठीक है, ये बनाया। अब देखिए, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और N3 माइनस, यहां पर प्लस, यहां माइनस। अच्छा, ये सर्कल बनाइए ना बनाइए, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई डॉक्टर या पंडित जी ने नहीं बोला है, आपकी मर्जी, माइनस प्लस माइनस। देखिए, नाइट्रोजन हम सबको पता है तीन बॉन्ड बनाता है, ये नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब इसका लोन पेयर जा चुका है, तो यहां प्लस आया। ये नाइट्रोजन ने सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाए, एक माइनस दे दिया। ये नाइट्रोजन ने दो ही बॉन्ड बनाए, यहां माइनस दे दिया। ये देखिए, ओवरऑल नेट चार्ज कितना है, वन माइनस है। चलिए रेजोनेंस करके दिखाता हूं आपको, यहां पर एजाइड आयन का रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। देखिए, ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो ये एन सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये वाला एन एन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखिए, एरो का हेड आया, एरो का टेल गया, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी प्लस था, अभी भी प्लस रहेगा। यहां से इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो यहां टेल है तो प्लस, और पहले माइनस था, तो ये हो गया न्यूट्रल। और यहां हेड आ गया, एक माइनस था, एक और माइनस आ गया, ये आ गया टू माइनस। देखिए, अभी भी नेट चार्ज क्या है, सेम, वन माइनस। जैसा काम इधर से हो सकता है, वैसा ही काम इधर से भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी तो इस बात की भी है, तो बिल्कुल है, मैंने कब मना किया, वो काम भी कर लेते हैं। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन, एन के ऊपर टू माइनस, यहां प्लस, समझे। तो नेट चार्ज कभी बदलने वाला नहीं है। अब ये ना कहना कि सर एजाइड आयन में तो वन माइनस है, कार्बोनेट में टू माइनस है, ऐसे बेवकूफों की तरह सोचोगे फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। सेम कंपाउंड के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनमें चार्ज क्या रहेगा, सेम, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगला पॉइंट, द एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल फॉर रेजोनेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बोरॉन वाला एग्जांपल आपको बताया था कि जो भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो वो तभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से समझिए, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जितने भी एटम है, अगर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए इस बात को मैं एग्जांपल से समझाता हूं।
मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड N, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो, NH2, तो हम बना लेते हैं NH3 और N पे ला लेते हैं यहां प्लस, N पे प्लस, ठीक है। ठीक इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल कार्बन डबल कार्बन, बड़ा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है OH, एक H और लगा दीजिए, OH2 और O पे प्लस। अब जरा रेजोनेंस करके देखिए जो मैंने आपको सिखाया, ध्यान से। तो सिर्फ रटा रटाया अगर आप काम करने लगेंगे ना, तो भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में गलत होंगे। तो बातों को समझिए, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड सिखाया था मैंने। अब कोई बच्चा अगर ऐसे कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, अब वो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दे, कार्बन सिंगल डबल NH2 NH3, तो यार ये बेवकूफी कर रहे हो ना। पहले तो नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना चुका है और उसी पे प्लस आ चुका है, और अब नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, और फिर भी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। अरे सीधी सीधी आसान भाषा में समझो ना कि अगर जगह होगी तभी तो रखोगे इलेक्ट्रॉन किसी का दिया हुआ, जगह ही नहीं होगी तो कहां रखोगे। तो देखिए यहां पर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए, 2 में डी होता नहीं। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो एक्चुअल में यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही नहीं, समझ में आया, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो अब यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, नाइट्रोजन डज नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड अगर यहां पर दे देंगे, तो मैंने आपको बताया था रेजोनेंस सिर्फ इतने तरीके से पॉसिबल होता है, ये थोड़ी ना बताया था कि जहां जगह ना हो वहां पर भी ये काम कर देना। अब यहां ऑक्सीजन के साथ भी वही हाल है, ऑक्सीजन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी यहां पर रेजोनेंस नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, जिनके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर इसी जगह पर अगर मुझे यह बात अपनी प्रूफ करनी कि भाई इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के हैं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए रेजोनेंस नहीं हुआ, तो क्या थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर होता तो 3 में डी होता वैकेंट ऑर्बिटल, तब क्या पॉसिबल था, बिल्कुल था। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड PH3 और यहां प्लस, और यहां पर ले लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल, जितना मन करे उतना बना दीजिए। यहां पर O के नीचे S है, SH2 और S पे प्लस, अब हो जाएगा पॉसिबल, क्योंकि भाई फास्फोरस और सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, वैकेंट डी में बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाएगा, आप यहां ट्रांसफर करो, बिल्कुल हो जाएगा, पॉसिबल है रेजोनेंस पॉसिबल, रेजोनेंस पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल, रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे रेजोनेंस बड़ी आसानी के साथ पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? चलिए एक दो पॉइंट और हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूं और लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इफ एनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस देन इट शुड बी इन प्योर ऑर्बिटल। बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक का सवाल है, ना सिर्फ रेजोनेंस, रेजोनेंस से तो आपको समझ में आ जाएगा इसका रीजन, सवाल ये ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा सवाल है, जो अच्छे अच्छों को बेवकूफ बनाएगा। वो कैसे, देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
सिंगल बॉन्ड कार्बन यहां CH2 पे माइनस लगा है, आप बनाने को यहां CH2 यहां CH लगाने को पूरा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसा, ठीक है, आप हाइड्रोजन लगाए ना लगाए, मैं फिर से थोड़ा साफ सुथरा बना दूं ताकि गड़बड़ ना हो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां माइनस। चलिए मेरा सबसे पहला सवाल ये है, ये जो पॉइंट लिखा है इसको लिखे रहने दीजिए, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है, इस कार्बन की अगर आप वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो ये दो हाइड्रोजन यहां लगा होगा, ठीक है। अब ये बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप कहेंगे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा और ये लोन पेयर, नेगेटिवली चार चार आ गया, तो ये sp3 sp3 होगा, तब तो टेट्राहेड्रल दिखाएगा ज्योमेट्री, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, तब तो ये रेजोनेंस शो करेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। अच्छा सवाल, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, अगर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कार्बन पे माइनस है और वो कॉन्जुगेटेड में है तो वो कभी sp3 नहीं होगा, वो sp2 होगा। ऐसा क्यों, फिर समझाता हूं, फिर से समझिए इस बात को। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये है, क्योंकि ये माइनस चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगा हुआ है, इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये रेजोनेंस में तभी पार्टिसिपेट कर सकता है जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, और ये sp2 तभी बनेगा जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये जो आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हैं, ये जो आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हैं, ये प्योर ऑर्बिटल में है, प्योर ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको, प्योर ऑर्बिटल में होने की वजह से ये शो करेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और वही इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये अब बन जाएगा लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे आ जाएगा, कार्बन सिंगल कार्बन डबल कार्बन, और यहां पर आ जाएगा वही माइनस चार्ज। अब इसका भी हाल वही है, और देख लीजिए इसमें भी वन माइनस, इसमें भी वन माइनस, सम ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी घर पे आराम से चेक कीजिएगा, सेम निकलेगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो किसी भी कॉन्जुगेटेड कार्बेन आयन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, देखिए कार्बेन आयन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, मैंने आप लोगों को प्रूफ कराया था CH3 माइनस का sp3, याद है आपको, लोन पेयर आ रहा था, पिरामिडल शेप था। लेकिन अगर यहां पर पूछोगे कि कॉन्जुगेटेड कार्बेन आयन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, प्लेनर। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, कुछ पूछना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये लेक्चर, बट आज ज्यादा कंप्लीट कर लेंगे तो कल और भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे, दो ही लेक्चर में खत्म करना है, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आइदर इट हैज ग्रेटर और लेसर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे और जब आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो क्योंकि मैंने एक जगह लिखवाया है कि जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उसका मुकाबला किसी ऐसे कंपाउंड से है जो कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है,
तो वो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है वही ज्यादा स्टेबल होगा अगर आपके कंपाउंड में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। कहने का मतलब समझिए सीधा सा, मान लीजिए किसी कंपाउंड के नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 हैं और किसी कंपाउंड के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लीजिए 2 ही हैं, तो अब यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल है? भाई पॉइंट में तो लिखा था कि जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल है, तो 5 वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जिसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादा स्टेबल है, चाहे वो नंबर में कम हो या वो नंबर में ज्यादा हो। यही बात यहां लिखी गई। मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। जैसे मान लीजिए, अब आपको सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे यार सर ने सब बातें बताई लेकिन ये तो बताए नहीं, ये इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट ये बला क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है? चलिए वो भी बता देता हूं आपको। ये फिनॉल से एच निकालेंगे तो बन जाएगा फेनोक्साइड आयन, इसके मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए बनाइए। तो ये देखिए माइनस चार्ज है, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना। कैसा बना? यहां पर डबल, यहां पर डबल, यहां आ गया माइनस और ये हो गया डबल बॉन्ड ओ। देखिए अब आप बनाते रहिए, फिर मैं बताता हूं आपको नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट क्या होता है। फिर देखिए लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। जितना कलर पेन का यूज करोगे उतना अच्छे से आपको एरो दिखाई देंगे, समझ में आएंगे, अदरवाइज सिर्फ अभी समझ में आएंगे, 2 महीने बाद कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ये सिंगल, यहां माइनस आ गया और ये डबल बॉन्ड ओ। और बनाइए, पूरी चक्री घुमाइए। तो ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, फिर से घुमाया। जब जब लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड होता है मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम तुरंत होता है, अदरवाइज कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। तो ऐसा हुआ तो यहां पर डबल था, यहां डबल हो गया, यहां माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो ये डबल यहां, डबल यहां, डबल यहां हो गया, सिंगल ओ पे माइनस। ये देखिए पूरा कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो गया कि नहीं। यहां पर जो डबल था यहां पर वो सिंगल है, जो सिंगल था वो डबल हो गया। देख लीजिए अब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कई लोग कहते हैं कि पहला और आखिरी तो एक जैसा है, नहीं, मैं कहता हूं नहीं है। आप देखिए नंबर कर दीजिए, नंबर लिख दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 वाला डबल बॉन्ड है और यहां पर देखिए अगर उसी नंबर को लिखते 1 2 3 4 5 6 तो यहां 1 2 वाला सिंगल बॉन्ड है। रिलेटिव पोजीशन यहां पर इस तरह से देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 5, देख लीजिए। समझ गए? अब आप देखिए, आपने एक कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, उसको कंपेयर कर लीजिए। ये बनाया था ना, इस कार्बोनेट आयन का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको याद होगा, अभी पीछे आपने बनाया है। तो इसमें क्या होता था? लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। पहले बना लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है। यह सारा प्रॉब्लम अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर डबल बॉन्ड आना है क्योंकि ये इधर से भी हो सकता था, अगर ऐसा बनाते। बना? अब आप समझिए इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में डिफरेंस।
इस वाले में O पे माइनस था, अगले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे माइनस आ गया और फिर कार्बन पे रहा और आखिरी में O पे। तो O पे भी दिख रहा है, कार्बन पे भी दिख रहा है, सेम एटम पे नहीं दिख रहा, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सब नहीं है। जबकि नीचे देखिए सब एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहले भी दो ऑक्सीजन पे माइनस था, अभी भी दो ऑक्सीजन पे माइनस है, अभी भी दो ऑक्सीजन पे माइनस है, पहले भी एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, अभी भी है। सो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कितने हैं? सिर्फ तीन। और ये कैसे हैं? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कितने हैं? पांच। कौन ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। सो कार्बोनेट इज मोर स्टेबल देन फेनोक्साइड। मेरी बात आप सभी को समझ में आई? अब इस पॉइंट को पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आप पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? जल्दी देखिए, नेट तो सही चल रहा है ना? तो ऐसा कंपाउंड जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो वो ज्यादा स्टेबल होगा विद रेस्पेक्ट टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइदर इट हैज ग्रेटर नंबर और लेसर नंबर, कुछ भी हो, इक्विवेलेंट वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा नॉन इक्विवेलेंट से। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप स्टेबिलिटी पे जाइएगा। हालांकि आज के लेक्चर में ज्यादा स्टेबिलिटी पे बात नहीं कर रहे हैं, अगले लेक्चर पे हम लोग ये भी सीखेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। एक लास्ट पॉइंट ये आज के लेक्चर का, इफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड डज नॉट फॉर्म, अगर किसी कंपाउंड में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बने, जैसे कि अभी फेनोक्साइड आयन में देखा था, देन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड और ट्रू स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड पैरामीटर को समझने के लिए, इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, कोई पॉइंट नहीं हो सकता। कुल मिला के सारांश ये है, गिव मोर प्रायोरिटी टू मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर सभी इक्विवेलेंट है, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सभी बराबर ही स्टेबल है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर नॉन इक्विवेलेंट है तो उसमें जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो ज्यादा स्टेबल है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसी के अकॉर्डिंग सब चीजें डिसाइड होंगी। उसी के अकॉर्डिंग सब चीजें डिसाइड होंगी का मतलब, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओ पे माइनस, देखिए ध्यान से, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, सबको समझ में आएगा अच्छे से। और अगर ये सब बातें आपने 11th में समझ ली तो आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे जितना डिफिकल्ट ऑर्गेनिक आए, सारी बातें पता है, रीजनिंग पता है, सारी चीजें आपको मालूम रहेंगी। देखिए ध्यान से, यहां पर नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड कार्बन पेंटावेलेंट हो गया। अब आप कहोगे मुझे को तो नहीं दिख रहा, दो और एक तीन है, एक और आ जाएगा। तो भैया यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये आपको समझना है ना, कहा था ना केमिस्ट्री की आंखों से देखना है। तो तुरंत क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। अब मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम होगा तो ये कार्बन सिंगल और ये डबल बॉन्ड ओ आ गया और यहां कार्बन पे माइनस आ गया, दिख रहा है आपको? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू है। अगर मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने को बोला जाए तो यहां पर मुझे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना है, तो कार्बन सिंगल ओ, और यहां पर मुझे पार्शियल कैसे दिखाऊंगा? मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा इन सबको। अब यहां पर देखिए ओ पे माइनस था तो मैं ओ पे डेल नेगेटिव लगाऊंगा, और कार्बन पे माइनस आया तो मैं कार्बन पे डेल नेगेटिव लगाऊंगा, और ये जो मिड वाला कार्बन था इस पे कोई चार्ज कहीं नहीं आया तो मैं नहीं लगाऊंगा।
ये बन गया मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? चलिए अब आपको आगे की बात समझाता हूं। आगे की बात यह है अगर इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अगर इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। पहली बात तो यह, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है इसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है, ये कैसे पहचानते हैं। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। जब कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो और सिर्फ एक टाइप का चार्ज हो, सिंगल चार्ज, तो ऐसे में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस चार्ज होने वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो अगर ओ पे माइनस है तो ये वाला कहलाएगा मोर स्टेबल और ये वाला कहलाएगा लेस स्टेबल। तो यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा बात किसकी मानी जाएगी, इसकी मानी जाएगी, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको कम प्रायोरिटी दी जाएगी। ये बात ज्यादा मानी जाएगी, प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगा का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो जैसे कि अब यहां पर तो एटम बदल गए, तो अब यहां पर बॉन्ड लेंथ की क्या बात करें, जैसे कि यहां पर समझिए ध्यान से, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों पार्शियल डबल बॉन्ड हैं, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि इसके मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मोर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मोर, और यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेस है। इस बात को ऐसे भी समझिए, अगर मान लीजिए मुझे यह बताना हो कि यह बॉन्ड लेंथ और यह बॉन्ड लेंथ में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, सपोज इसको नंबर वन ले लेते हैं, इसको नंबर टू ले लेते हैं, ठीक है, या वन टू यहां पर दिया है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मैं यहां पर चलिए ए और बी ले लेता हूं, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ये ए बी बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ, इसके मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ए वाले को डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं यहां पर और इस वाले को सिंगल दिखा रहे हैं, तो हम इसी की बात ज्यादा मानेंगे। बॉन्ड लेंथ बड़ी किसकी होगी, बी की, और छोटी किसकी होगी, ए की, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, जो कि इसके मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब मैंने तो कहा था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहां पर आएगा वो सब रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इंटरमीडिएट होती है, सही कहा है, सिंगल नहीं है ना डबल है, इंटरमीडिएट होती है, और सभी की सेम होती है अगर सारे एटम भी सेम हो, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बात बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। ऐसे में मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और वो जो बोलेगा उसकी बात मानेंगे, और वो बोल रहा है कि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, तो इस वजह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी ए की ज्यादा बी से। एक बात और, मैंने आपसे कहा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी एक बात कर लेता हूं। अगर किन्हीं दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग 2 में इस बारे में विस्तार में बात करेंगे। अभी एक छोटा सा टर्म और आ रहा है जो यहां पर समझना चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट करके यहां समझा देता हूं। अगर किन्हीं दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1। अगर किन्हीं दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2।
और अगर उनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? ना वन ना टू, बीच में आ गए 1.5। अगर आपसे कोई पूछे बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है? नहीं। डबल बॉन्ड है? नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेंजीन में? 1.5। ये निकालना आपको सिखा दूंगा, आगे की क्लासों में आपको मिल जाएगा ये सीखने को। तो 1.5। अब बताइए यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं है? तो कायदा तो ये कहता था कि यहां पर भी 1.5 होना चाहिए, यहां पर भी 1.5 होना चाहिए, बट ये इक्विवेलेंट में होता तो यही होता। ये नॉन इक्विवेलेंट में क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड में हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको। और ये कह रहा है कि इधर वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर होगा 1.5 से, और कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लेस होगा 1.5 से। बेस्ट एग्जांपल है इन सब चीजों को समझने का। और बॉन्ड पैरामीटर, तो बॉन्ड पैरामीटर के जब अच्छे सवाल आएंगे तो ऐसे स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है। ओके, नोट कीजिए जल्दी से, यहां तक सभी लोग जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? यहां तक कुछ पूछना है? चलिए आज का होमवर्क लिखिए, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो अगली क्लास में मिले, जो ये आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, हो सकता है कल क्लास हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एज पर द शेड्यूल आपकी क्लास थर्सडे को ही हो। जैसा भी होगा मैं आपको कल तक इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल रेडी रखिएगा, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्हीं पे खत्म हो जाता है। कल हम इसके आगे ऑर्गेनिक पे बात करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आगे कैसे बनाए जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का अपना ये लंबा लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।